टेक्निकल अल्ट्रा चैनल की सारी सब्सक्राइबर को नमस्कार और व्यूअर्स को स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कैसे आप किसी भी फेसबुक अकाउंट में या पर ज्वाइनिंग डेट को शो कर सकते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे भाई देखा होगा कुछ कुछ अकाउंट में या पर फॉलोअर मतलब फॉलोअर ऑप्शन के ऊपर या पर कुछ अकाउंट में ज्वाइनिंग डेट शो होती है, मतलब कब फेसबुक ज्वाइन किया या पर वो डेट शो हो जाती है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट में या पर ज्वाइनिंग डेट शो नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपका अकाउंट में या पर ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मेरी तरह देखिए इस अकाउंट में कोई भी ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर आपका अकाउंट में भी कुछ इस तरह से या पर ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर आपका ज्वाइनिंग डेट शो नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सिखा दूंगा आप कैसे आप किसी भी अकाउंट में या पर ज्वाइनिंग डेट शो कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले मैं आपको दो अकाउंट में ज्वाइनिंग डेट शो करके दिखा दूंगा, एक तो ए वाला अकाउंट है, एक और एक अकाउंट मतलब एक नॉर्मल अकाउंट में कैसे शो मतलब ज्वाइनिंग डेट शो करती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको करना क्या होगा, आप किसी भी अकाउंट में ज्वाइनिंग डेट शो करने के लिए इस अकाउंट को मतलब इस अकाउंट का प्रोफाइल ओपन कर लेना होगा। ठीक है, प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एडिट एंड पब्लिक डिटेल्स मतलब बल्कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर एडिट एंड पब्लिक डिटेल्स में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे एडिट एंड पब्लिक डिटेल्स में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा डिटेल्स नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बायो ऐड कर लेना होगा। ठीक है, आप यहाँ कोई भी बायो ऐड कर सकते हैं, अगर आपका मर्जी आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वरना कोई बात नहीं, मैं प्रोफाइल को अच्छे देखने के लिए यहाँ पर एक बायो ऐड कर लेता हूँ ताकि प्रोफाइल थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, प्रोफाइल को थोड़ा प्रोफेशनल लगने के लिए मैं यहाँ पर देखिए कोई भी एक बायो ऐड कर ले मतलब ऐड कर ले, आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी एक बायो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल्स, डिटेल्स के बगल में एक एडिट का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, तो आपको सिंपली एडिट में क्लिक कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ अकाउंट में यहाँ पर मतलब जो है ना यहाँ पर आपको ज्वाइन डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंट में ज्वाइन डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर कोई भी एक वर्कप्लेस ऐड कर लेना होगा। ठीक है, अगर आप एक वर्कप्लेस ऐड करके तो भी चलेगा, आप कोई भी वर्कप्लेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐड कर लीजिए एक वर्कप्लेस, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ एजुकेशन वगैरह या फिर कुछ आपका लोकेशन होम टाउन टाउन सिटी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से लोकेशन वगैरह ऐड कर लेता हूँ आपके सामने, मतलब आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर ऐड ना भी मतलब एक ऐड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप ऐड कर लेना, क्योंकि इसे ऐड करने से प्रोफाइल थोड़ा मतलब फेसबुक का प्रोफाइल थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, इसलिए मैं ऐड कर लेता हूँ, कुछ एक और ऐड कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से अपना मतलब आपका लोकेशन या फिर टाउन सिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपली ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस ऑन है तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते, अगर है तो ऑन कर सकते, अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंगल कर दीजिए, आप चाहो तो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऑन ना भी करके तो भी चलेगा, एक ऑन करके तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं सारे कुछ सेव कर लिया, आपको भी कुछ इस तरह सेव कर लेना होगा। ठीक है, अगर आप सेव करके मतलब एकदम से आपका मतलब प्रोफाइल में ज्वाइन डेट का ऑप्शन नहीं आएगा, या पर दोस्तों देखिए अभी तक आप मेरा प्रोफाइल में ज्वाइन डेट का ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपने जितने भी बायो ऐड किया है ना, कोई भी बायो को मतलब यहाँ पर दोस्तों देखिए सारे बायो का पहले एक ब्लू कलर का टिक होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अनटिक करके सेव कर लेना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोग जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से आप यहाँ पर एडिट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए जस्ट नाउ आपका अकाउंट में जो है ना ज्वाइनिंग डेट मतलब ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, फेसबुक ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, जैसे 2020 में मैंने ज्वाइनिंग मतलब डेट में यहाँ पर ज्वाइन किया था। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर सिंपली ज्वाइन डेट में यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हो, कारण उससे पहले अगर आपने कोई भी बायो अगर ऐड किया आपको अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पर सिंपली आप देखिए बायो के बगल में मतलब वो बायो या फिर वर्क प्लेस बगल में एक पेन का निशान आती है, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लास में मतलब आइकॉन में क्लिक करके सिंपली आप यहाँ पर सेव में क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आपका प्रोफाइल में ऐड रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको सेव कर लेना होगा। हाँ दोस्तों, एक बार में सेव नहीं होगा और आपका प्रोफाइल में शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक बार सेव किया तो मेरा प्रोफाइल में शो नहीं होगा, तो आपको कम से कम दो बार करना होगा। ठीक है, अगर आप दो बार करोगे तो आपको 101% आपका प्रोफाइल में ज्वाइनिंग डेट शो होने लगेगा। ठीक है, मैं आपको 100% वर्किंग मतलब प्रूफ दिखाऊंगा, और आईडी देखिए मेरा आईडी में अभी ज्वाइन डेट शो हो जाएगा, तो आपको फिर से मतलब कम से कम दो बार कर लेना होगा। करने के बाद देखिए जस्ट आपके सामने लाइव प्रूफ या फिर ज्वाइनिंग डेट ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक अकाउंट में ज्वाइन डेट ऐड हो गया, तो आपको कंफर्म के लिए यहाँ पर एक और एक स्टाइलिश मतलब स्टाइलिश प्रोफाइल या फिर वीआईपी प्रोफाइल कह सकते हो, यहाँ पर भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। और आप लोग देखिए यहाँ पर इस अकाउंट में ज्वाइन डेट शो नहीं हो रहा और मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर इसी तरह प्रोसेस करना होगा, यहाँ पर भी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाना होगा यहाँ पर एडिट इन पब्लिक डिटेल्स में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आके सिंपली आप कोई भी एक मतलब ब्लू टिक को आपको सिंपली यहाँ पर अनटिक कर देना होगा। ठीक है, आप कोई भी एक टिक को अनटिक कर दीजिए,
मैं उससे पहले मैं रिलेशनशिप स्टेटस मेरा ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड नहीं किया था, सिंपली ऐड कर लेता हूँ। करने के बाद सिंपली आपको आ जाना होगा, फिर से यहाँ पर क्लिक करके आपको एडिट एंड पब्लिक थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर आपको एडिट एंड पब्लिक डिटेल्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ए वाला क्लिक करना होगा। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा बायो नहीं, अब थोड़ा सा ऊपर आकर डिटेल्स में आके एडिट में क्लिक करिए। करने के बाद सिंपली यहाँ पर ठीक है, अभी भी ज्वाइन डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको कुछ इस तरह से अनटिक कर देना होगा कोई भी एक ऑप्शन को। उसके बाद फिर से आप एडिट में क्लिक करके आप जिस ऑप्शन को भी अनटिक किया है टिक कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना आपके सामने प्रोफाइल में ज्वाइन डेट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। आप मतलब देखिए, आप चाहो तो इसे भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर आप अनटिक करोगे तो आपको प्रोफाइल में शो नहीं होगा, तो आपको सिंपली सेव कर देना होगा, ठीक है। तो एक बार से आपका प्रोफाइल में सेव नहीं होगा, देखिए एक बार गया तो नहीं होगा, ठीक है। फिर से आपको कम से कम दो बार करना होगा, अगर दो बार करेंगे तो 101% आपका प्रोफाइल में ज्वाइन डेट का ऑप्शन शो होने लगेगा, कुछ इस तरह से मेरे द्वारा, ठीक है। दोस्तों देखिए, इस अकाउंट में पहले जो है ना ज्वाइन डेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, लेकिन आप कुछ सेटिंग करने के बाद मेरा प्रोफाइल में ज्वाइन डेट का ऑप्शन आ गया और ऑप्शन भी शो हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से अपना फेसबुक प्रोफाइल में ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन शो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो वीडियो को कर देना एक लाइक। अगर आपने हमारे चैनल का वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह से कॉन्टेंट अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।